फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक क्वेश्चन हम लेसन मेजरमेंट से ले रहे हैं। आज हम सीखेंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर को कैसे मिलीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम टेबल को समझेंगे। मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये क्वेश्चन है कन्वर्ट 8 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर जो है इसे यहां मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 और 10 का है। तो हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे यहां मल्टीप्लाई करेंगे और 5 मिलीमीटर जो पहले से ही मिलीमीटर में है उसे सिर्फ प्लस करेंगे। आइए समझते हैं। 8 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, तो हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 मिलीमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 80 मिलीमीटर होगा प्लस 5 मिलीमीटर। अंतिम में 80 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 85 मिलीमीटर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कन्वर्ट 6 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। उसी प्रकार इसे भी बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, तो हम 6 को 10 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 मिलीमीटर। मल्टीप्लाई करने के बाद 60 मिलीमीटर हो जाएगा, प्लस 6 मिलीमीटर। अंतिम में इसे ऐड कर देंगे, 60 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर को ऐड करने के बाद 66 मिलीमीटर होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।